नानू हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली सिंह। कैसे आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पटाखे जल रहे हैं और बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे ब्लॉग की शुरुआत की और थोड़े से ऐसे फ्रेश होके, बट अभी देर से बात हो रही थी इसलिए। और रात का टाइम है, रात के बज गए हैं 12, पटाखे जल रहे हैं क्योंकि बर्थडे पार्टी था, आपको पता है। आने के बाद फिर मैंने कुछ वीडियो शूट नहीं किया, सोचा था कल सुबह से शूट करूँगी, लेकिन मैं मॉर्निंग का टाइम रहता है ना, बहुत धीरे धीरे बोलती हूँ, तो इसलिए मैं सोचा अभी शुरुआत कर देती हूँ। और मुझे बनाना है मॉर्निंग में खाना बहुत सारे लोगों का, तो मम्मी ने ये बोला कि मम्मी ने पहले ये बोला कि बन जाए, कुछ ऐसे बोला ना, हाँ है ना, ऐसे बोला। तो मैंने बोला मम्मी मुझे चैलेंज मत करो, उठ जाऊँगी सुबह 4 बजे ही बनाने लग जाऊँगी। तो फिर नहीं कुछ बोली। और क्योंकि जब जिस दिन अमावस्या था, आप लोगों ने देखा था, सारे पंडित जी लोग जो आए थे, सब लोगों का खाना मैंने बनाया था अकेले ऐसे, क्योंकि अब तो मम्मी को लगा रहा कहीं 4 बजे उठ के ना बनाने लग जाए। तो आज जब मैं सोने आ रही थी तब कह रही 7 बजे से पहले मत उठिया। उन्होंने बोला कि सब्जी मैं बना दूंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे है ना। मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, लेकिन देखते हैं कल क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सब लोग आ रहे हैं, मामा जी की फैमिली निक्की के घर से, और जो मौसी जी मामी जी वगैरह हैं, सारे लोगों को, मतलब इतने ही लोग हमने बुलाया हुआ है पूजा में, पूजा रखवाया हुआ है। और पूजा क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सब आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइएगा, क्योंकि वो टाइम जब आप लोग एक इंतज़ार कर रहे थे वो टाइम आया हुआ है, मतलब मैं बता नहीं सकती। बैक टू बैक 2-4 वीडियोस जल्दी जल्दी जाएंगे, तो सब सारा वीडियोस फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं देख पाए उसको टाइम निकाल के देखिएगा, और प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। बस थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा झिझक है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, किस तरीके से होगा, नहीं समझ में आ रहा है। बट कोई नहीं, देखते हैं अगर मेरे घर वाले आते हैं तो वो कब तक पहुँचते हैं, सुबह पहुँचते हैं, शाम को पहुँचते हैं, कब पहुँचते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर चलिए, पार्टी अटेंड हमने कर लिया और अब जा रहे हैं सोने। प्लीज आ रही है, आप लोग भी सो जाओ। गाइस टाइम देखिए 12 बज के, ये दिख नहीं रहा है, एक सेकंड, हाँ अब देखिए 12:46 और हम जा रहे हैं। अरे चप्पल तो हम पहन लें, ये पहन के सब चीज़ें, और हम जा रहे हैं घर से बाहर इतनी रात को। वाह मजा आ गया, देखिए चोरों की तरह निकलते हुए सब लोग। अब आप लोग सोच रहे हो कि इतनी रात को हम कहाँ जा रहे थे, तो हम जा रहे थे अपनी गाड़ी लेने के लिए, बाहर फंक्शन हो रहा था जिसकी वजह से गाड़ी थोड़ी उधर साइड में खड़ी है, फिर सोचा कि टेंट हट रहा है तो चले जाए ले आए, मेरी जगह नहीं, तो इसलिए वापस आ गए। मैं जा रही हूँ कुछ खाना, मुझे भूख लगी 1 बजे। मॉर्निंग में मुझे उठना था और सारा खाना वगैरह बनाना था, लेकिन अभी मैं उठती उससे पहले मुझे ठुक ठक की आवाज़ आई बाहर से, तो मैंने जाके बालकनी से देखा तो पापा जी उठ गए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी नहाऊंगी, बाद में पहले चल के मैं चाय बना के पापा जी को पिलाऊं, तो मैं इसीलिए आ गई नीचे, क्योंकि और भी किसी को बुलाया था, मम्मी ने नीचे झाड़ू पोछा के लिए तो वो आई हुई थी, तो उनके लिए भी बनाना था, मैं आई तो मम्मी तब तक उठ गई थी। तो यहाँ पे मैंने चाय वाय बनाया, दूध वगैरह गर्म किया और आलू वगैरह भी उबालने के लिए रख दिया, कि जो काम ऐसे ऑटोमेटिक होता रहता है वो होता रहे, जितना कर सकती हूँ अभी कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के आके और तब मैं लगूँगी अपना खाना बनाने में। आज का जो दिन है बहुत स्पेशल है और आपको इसी ब्लॉग में बहुत चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसके लिए आपकी आँखें कहते हैं तरसना नहीं, आपको तो पता ही नहीं होगा, तो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं टमाटर जो है उसे कट करके रख रही हूँ इसे पीसने के लिए, साथ में जो प्याज है उन सारे प्याज को छील लूँगी। आज तो प्याज छीलने में ना मेरी नानी दादी सब याद आ गई, मतलब वो इतना ज़्यादा लग रहा था आँखों में, फिर मैंने उसे छिल के और पानी में डाल दिया कि बाद में कट करूँगी, ये आप देख सकते हैं। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये मैंने सूट पहना हुआ है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लूज है, समझ नहीं आ रहा, जब डाल लेता मैंने देखा कि लूज है, मैंने बोला चलो कोई नहीं थोड़ी देर पहनना है पहन लेते हैं, बाद में फिर देखेंगे, मन करेगा तो साड़ी पहन लेंगे, नहीं तो फिर
ये भी चल जाएगा, बाकी देखते हैं। एंड आज मुझे ही बनाना है खाना, तो मम्मी भी आ गई हेल्प करने के लिए कि नहीं इतना सारा खाना है ये। ऐसे वैसे सबने हेल्प किया था, मतलब सबने, मुझे नहीं लगता कि आज मुझे बोलना पड़ेगा किसने किया था किसने नहीं किया था, क्योंकि आज कुछ चीज़ें ऐसी कैप्चर हुई, ऐसे कुछ मोमेंट जो कैप्चर हुए हैं जो आपको देख के और आपको लग जाएगा कि हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिख रहा है और इससे ज़्यादा ना बोलें। कि मतलब मैंने इसलिए आप लोगों को पहले ही वीडियोज़ भी मैं एक्सप्लेन कर दिया था कि प्लीज़ कोई भी ऐसा कमेंट ना करें। तो किसी ने मुझे ये कमेंट किया हुआ था कि जब यज्ञ होता है तो जैसे दानों उसमें वादा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे देवताएं खड़े रहते हैं कि वो यज्ञ सफल हो सके, ठीक उसी तरीके से आपको नेगेटिव बोलने वाले दानों को आपके जो सब्सक्राइबर हैं पॉजिटिव बोलने वाले वो उन्हें बता देंगे। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब कुछ लोग एज्यूम करते हैं, सोचते उस तरीके से बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और हाँ, मैं किसी को दानों या किसी को भी मैं राक्षस या कुछ भी देवता कुछ नहीं बोल रही हूँ, ये किसी ने कमेंट किया था तो मैंने वो बताया, ठीक है। और यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी मटर पनीर की, जिसमें मैंने प्याज सारे डाल दिए थे, मुझे निकालना था आलू गोभी के लिए, थोड़ा सा मैंने निकाल दिया। एक्चुअली सच बताऊँ, मम्मी बोली थी कि वो बनाएंगी सब्ज़ी दोनों, बट मैंने फोर्स किया, मैंने बोला नहीं मम्मी मैं बना लूँगी, आप क्यों परेशान हो गए। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है बना लो, मैं बना दूँगी। बस वो गलती नहीं था, इसमें उन्होंने ही तेल डाला हुआ था और मुझे लगा मटर पनीर को सौंपने के लिए डाला है। तो मैं जब मैं भूनती रही ना तब मुझे पता चला इसमें इतना कम तेल था, तो मतलब उसमें सब्जी बन ही नहीं पाती। फिर मुझे बाद में पता चला, मम्मी ने बोला कि मैंने देखा कि मम्मी ने वो तेल डाला, वो कम भी लगा, लेकिन मैंने डर के मारे नहीं डाला कि मम्मी लोग आपको पता है ना बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल डालती हैं बेटियाँ, ज़्यादा तेल डाल के खाना बनाती हैं तबीयत ख़राब होता है। तो मुझे लगा इसलिए शायद मम्मी ने अंदाजे से डाला होगा। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन वो तेल इतना ज़्यादा कम था। तो जब मैंने मम्मी से यहाँ पर बात की तो पता चला कि मम्मी ने वो तेल गोभी फ्राई करने के लिए डाला था। मैंने बोला फिर मैंने ऊपर से तेल को पका के और तब मैंने इसमें डाला। और फिर मेरे अंदर एक डर भी था कि कच्चा कच्चा सा ना लगे। मम्मी ने बोला नहीं पका दिया है तो नहीं लगेगा। साथ में मैं यहाँ पे आटा गूंद लूँगी अपना, और ये मेरा मटर पनीर की जो सब्ज़ी है ये अब बस रेडी होने वाला है। और मैं मम्मी से यहाँ पे बात कर रही थी कि मम्मी बहुएँ हंसती खेलती ज़्यादा अच्छी लगती है ना, तो मम्मी कह रही थी कि हाँ नहीं काम करने की बात में बोलते कि काम करते हुए हंसते हुए अच्छा लगता है ना, जब भी कोई काम करो। मम्मी बोले कि हाँ काम करो हंसते रहते तो अच्छा लगता है, और जब मुंह बनाए काम करते तो अच्छा नहीं लगता। मैंने बोला अच्छा, एम रवीना ना थोड़ा सा वैसे बन के घूम रही थी ना, तो मैं उसी को बोल रही थी रवीना देखो हंसते रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उसी पर मम्मी इस समय ये बात बोल रही थी, तो वो बोल रही थी मैंने खुद ये सारी बातें बोली थी। और यहाँ पे फिर मटर जो है मैंने इसे डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाले पनीर। और अब ये जो सब्ज़ी है ये रेडी हो चुकी है, सब्जी मैं यहाँ पे बना के तब मैं जाऊँगी रेडी होने। अभी मेरे घर वाले नहीं आए हुए हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आने में। कौन कौन पहले आता है सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में। सो गाइस, तो फाइनली कितनी भी कोशिश कर ली हमने, इस पे न्यू गद्दा भी नहीं आया और पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, तो इसलिए जो है अपना काम चलाते हैं, सोचते जो है अच्छा है। तो कोई बात नहीं, नया बेड, वो नया बेड शीट, वो क्या बोलते हैं, नया मैट्रेस नहीं तो नया बेड शीट ही सही, नया ले लेंगे, इतनी सारी कंपनी है यार। अच्छा कि आपने स्लीप वेल का नहीं लिया, स्लीप वेल में वैसे भी वो बात रही नहीं है। किसी ने बोला स्लीप वेल के उसमें जाके इनको लो सब वो लोकल सा फील हो रहा है, सच में बोला। मैंने रिप्लाई कर दिया था उनको कि आपको लगता है बाकी कंपनियों के बारे में ज्ञान ही नहीं है, ब्लॉगर्स की गलती निकाल देते हो। मतलब नहीं कुछ मिलता तो कुछ भी बोलना होता है। चलिए बिछा के मिलते हैं आप लोगों से। देखिए सो गाइस, देखिए आज व्लॉग में कैमरे के पीछे से मैं हूं और ये एक्चुअली सही हम आपको बताएं तो हमने जो सोचा हुआ था वो तो नहीं हो पाया कि जो सब कुछ वो करवा के एक आप लोग प्रोफेशनल जो शूट चाहिए था अब तो फंस गए ऐसा, ठीक है वो देंगे लेकिन मम्मी लगता छौंक दी तो चिमनी से आता है ऊपर तक, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई लेकिन जितनी जल्दी हो सकेगा वो करेंगे, लेकिन बाद में अब शेयर करेंगे। अभी जो है जैसा उसको आप लोग देखिए, मुझे खाती आ रहा है। हमेशा मेरी सासू माँ कहती है कि घर पे कोई आने वाला हो तो खाना पहले ही बना के रख देना चाहिए, मतलब तैयारी सारी, कि ऐसा ना कोई आए तो उसके पास बैठो नहीं अपने कामों में लगे रहो तो फिर कोई तुम्हारे घर आया है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सारी तैयारियाँ हमने कर ली थी, आटा भी गूंद के रख दिया था कि पूरी जब तलना हो तो पूरी तल लेंगे, और चावल जो है उसको भिगा के रख दूँगी फिर मैं छौंक दूँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आटा गूंद रही थी, आटा बहुत ज़्यादा था
और हमने जिम और भी लोगों को किया था, कुछ लोग नहीं आ पाए थे संडे की वजह से, कुछ मार्केट शॉपिंग ये सारी चीज़ें चल रही ना उस वजह से। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ आप लोग का एक हमेशा से था वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या मुझे कोई लाइन बोलनी चाहिए? मुझे लगता नहीं बोलनी चाहिए बट फिर भी बोल देती हूँ। मेरे देवर जी जो हैं यहाँ पे बर्तन धो रहे हैं और मैं यहाँ पे, मैंने उनको मना किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उनका, मतलब ये सब कोई काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं चाहती कि वो करें, मैं तो मम्मी का भी नहीं चाहती बट मम्मी तो इसमें लग ही जाती हैं। तो यहाँ पर वो धो रहे थे, कुछ बोलना है आपको बोलिए। ये पापा अच्छा नहीं कर रहे। ये पापा नहीं है? हाँ। ये तो चाचू है। हाँ तो क्यों बोले पापा है? चाचू बोला मैंने। नहीं अभी देवर जी बोला मैंने। नया साया हूँ। देखो तो धनु का मन किया बोलने का, तो वो बोल रहे थे अभी, तो यहाँ पे ये मैंने इनको मना किया कि आप मत धो, कह रहे हैं कि नहीं मैं थोड़ा धो देता हूँ, तो वो धो रहे थे सारे ही बर्तन, थोड़े नहीं वो सारे ही धो दिए, तो वो धो रहे थे, मैं यहाँ पे साइड में खंगाल रही थी। शायद कुछ शिकायतें कुछ लोगों की दूर हो गई होंगी आज। गुड मॉर्निंग छमलेट, गुड मॉर्निंग। ये देखो ओले ओले, ये तो नीचे चली गई बेटी। ओले बाप ले बाप, ये देखिए गाइस, ये की बार में उतर जाती है कि बेटी भी उतर इधर आ नहीं। आपको पता है इधर तो देखो ऐसे सो के अच्छा नहीं रहेगा ना। आपके घर कौन आ रहा है आप सोच सकते हो? आप सोच सकते हो कौन आ रहा है? सोच के बताओ। और चुमा मम्मी, और जल्दी जल्दी बोलो, ज्यादा वो हो जाएगा। चलो पास में बताऊं बताऊं हाँ? चलो बाद में बताऊंगी। नानू नानू पूजा मामी, पूजा मामी छोटा वाला बेबी वो भी और बताओ नानी आंटी मासी सब विवेक मामू पता नहीं पानी डाल देते हैं ना तो ये हलवा बन जाएगा और जब सूखा तो ये चूरन बन जाएगा। अब इसमें बस चीनी डाल। अब देखो कैसा हो गया। फिर भूनने के बाद चीनी डालेगा ना। ये देखो इनका बर्तन धो रही है। हाँ कोई बात नहीं, आप देखो बर्तन धो रही है। आ ये देखो आप बर्तन धो रही है। ये देखो गाइस हो गया, थोड़ा पीछे रखिए गाइस, पीछे रखिए, ज्यादा गैस के पास नहीं आते हैं गाइस। क्यों? आग से बच के रहना चाहिए, आग पानी से बिजली से खिलवाड़ नहीं। चलिए आप तो तैयार वार हो गए भाई, चलो अच्छा है बढ़िया है। सो गाइस फाइनली आ गए मैं रेडी होने के लिए, अभी अभी रेडी भी नहीं हुई हूँ। तो धनु को मैं कुर्ता पहना रही थी, कुर्ता से वो ऐसे भागते हैं ऐसे भागते हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसा ये सूट पहने बहुत लूज है तो कुर्ता से भागते हैं बहुत ज़्यादा। फिर कह रहे इधर पटाखा फोड़ लूँ, तो मैंने बोला नहीं कूड़ा हो जाएगा ये, वो तो कह रहे बालकनी में फिर फोड़ लेता हूँ, क्योंकि हम उन्हें मना करते हैं ना, जब वो बहुत जिद करते हैं तो बोलते हैं कि जाकर बालकनी में फोड़। और बालकनी में जा रहे थे, दरवाज़ा अपने पैर पर खोल लिए, वो कट गए इतना, कुर्ता से भाग रहे थे। फिर वो कुर्ता फिर आया भी नहीं, मैं वही कुर्ता पहनाने पे लगी हुई थी, फिर दूसरा मैंने पहनाया, क्या करूँ। अब मैं थोड़ा फटाफट से रेडी जाती हूँ, अभी सूट तो यही पहनी रहूँगी, साड़ी बाद में पहनूँगी। पता नहीं पिंपल्स इतने मोटे मोटे क्यों आ रहे हैं, मुझे साफ़ ही वगैरह पीना पड़ेगा तभी जाकर ठीक होगा। समझ में आ गया है कि खून में ही कुछ दिक्कत हो गया है, नहीं इतना
गाइस शकल देखिए, शकल देखिए इनका, मतलब ठीक है ठीक है, सारा लाइट वाइट एसी वैसी जो सब कुछ जला दिए, कह रहे हाँ अब लग रहा है चकाचक। मेहनत करी है मैंने इसमें तो आज देख के खुशी हो रही है। सारी मेहनत इन्होंने की है मैं बता देती हूँ भाई, फाइनल बता देती हूँ, हमको सोने से फुर्सत नहीं था, सही में बोलूँ सही है ठीक है। एक एक चीज़ जब कोई चीज़ चुनता है ना तो उसको ऐसी खुशी होती है, और इनकी खुशी है क्यों है ये तो मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, और ना ये कभी मैं ही नहीं कर सकती। मैं तैयार हूँ रोना बाद में। थोड़ा रो लो, इमोशंस को भी दबा ले जाते हैं, तीन तीन कलर है इसमें। चलिए ठीक है, तो आपको कैसा फील हो रहा है आज आपके ससुर जी सासू माँ सारे साल पता नहीं कौन कौन आ रहा है, जो भी आ रहा है मतलब आपके फरीदाबाद से आपको ससुराल से लोग आ रहे हैं, तो अच्छा आपको कैसा? सच में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये बहुत दिन से मैं तो छोड़ मत देना मुंह पे बंद है बंद है, अरे बंद नहीं है, चलो आप भी क्लीन हो जाओगे ना। हाँ मुझे अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा, खुशी हो रही है, बहुत दिनों से इस पल का मैंने इंतज़ार किया था, इससे ज़्यादा क्या बोलिए, कुछ मत बोलो, सब थोड़ी ना बोल पाते हैं, बोलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इमोशंस है प्रैक्टिस नहीं, हम अच्छा मतलब जो नहीं बोल रहा उसके अंदर इमोशंस नहीं है। जाओ जाओ तैयार हो लो, जाओ 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 तैयार हो लो, मार दे मुंह पे। थोड़ा लेते हैं हम की लोग पहुंची ना।